Hey guys, welcome back to my channel, and this is Manish Verma. So in this movie we have discussing about how API is work, because many our developers are don't know about the how API is work. तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि API की एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है और उसका एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल API का एक्रोनिम्स है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिकॉज कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिससे कि हम दो एप्लीकेशन को इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. सपोज कि एप्लीकेशन वन और एप्लीकेशन टू, अगर एप्लीकेशन वन को एप्लीकेशन टू का कोई भी डाटा चाहिए या तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी चीज़ के रिकॉर्डिंग, देन एप्लीकेशन टू उसको एक अपनी एपीआई देगा एप्लीकेशन वन को. सो वो एप्लीकेशन वन उस एपीआई को यूज़ करके एप्लीकेशन टू का कोई भी डाटा एसेस कर सकता है. इस डिपेंड ऑन टू द एप्लीकेशन टू इसको जो डाटा देना है एप्लीकेशन वन को. सो इसको सिंप्लिसिटी करते हुए मैंने एक बेसिक एग्जांपल बनाया है जिसके साथ हम चलेंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन. सो आप देख सकते हैं कि मेरा बेसिक एग्जांपल जो आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार है ये है पूरा सिनेमा के बेस पे. और आप ये एक कंपनी जानते होंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर कंपनी है इंडिया में, बुक माई शो. सो बुक माई शो में आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी कि क्या होता है. बुक माई शो में हम इजीली कोई भी टिकट और कोई भी शो बुक कर सकते हैं. सो बुक माई शो एक्चुअल में क्या होता है उसमें कि कोई भी शोज हम बुक कर सकते हैं सिनेमास का. अब मैं इसका एक एग्जांपल लूँगा कि एपीआई इसमें कैसे वर्क करता है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल पे चलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बुक माई शो का ऐप अपने इंस्टॉल्ड किया मोबाइल के अंदर. देन मैंने उस ऐप पे क्लिक किया और मैंने कोई भी सिनेमा की बुकिंग शो बुक करी, जैसे कोई भी लेटेस्ट मूवी हो उस शो की मैंने टिकट बुक करी. देन मैं उसको बुक करूँगा. सपोज मैंने पीवीआर सिनेमा की टिकट बुक करी. सो पीवीआर सिनेमा में क्लिक करने के बाद तो हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें सीट सेलेक्ट करनी होती है कि जो सीट्स हमें पसंद है उसके रिगार्डिंग वो सीट बुक कर देगा. सो वो सीट्स हम सेलेक्ट करते हैं. फिर सीट सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ अमाउंट पेड करना पड़ता है. तो वो अमाउंट बताता है कि कौन सी सीट का अमाउंट है, बिकॉज पीवीआर सिनेमाज आर हैव लॉट ऑफ सीट्स इन सम कैटेगरीज सच एज फ्रंट सीट्स, रियर सीट, कॉर्नर सीट, गोल्डन सीट, डायमंड सीट, एनीथिंग इज देयर. सो मैं कोई भी सीट सेलेक्ट करता हूँ. सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैंने फ्रंट सीट सेलेक्ट करी, तो मैं फ्रंट सीट पे सेलेक्ट करूंगा. मैं क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊंगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस मुझे वो फ्रंट सीट का जो मैंने सेलेक्ट करी है वो सीट मुझे उसका प्राइस बताएगा. अब ये बुक माई शो के पास कैसे डिटेल्स आई है, पीवीआर सिनेमा की सीट्स की डिटेल्स कैसे आई है और ये प्राइस का डिटेल्स कैसे आया बुक माई शो के पास? ऐसा तो है नहीं कि बुक माई शो का खुद का सिनेमा है पीवीआर. नहीं, ये पीवीआर सिनेमा कोई और कंपनी है और बुक माई शो और कोई और कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है. अब होता क्या है, पीवीआर सिनेमा अपना एक एपीआई जनरेट करके देता है उस अपने बुक माई शो को. तो बुक माई शो क्या करता है, जब भी कोई भी यूजर बुक माई शो के अंदर आता है उस सिनेमा की टिकट बुक करता है जो कि पीवीआर सिनेमा है, तो उस सिनेमा के पास जाएगा. जैसे सपोज उस बंदे ने क्लिक किया पीवीआर सिनेमा, तो जैसे क्लिक करेगा तो जैसे उसका क्लिक करने के बाद एक प्रोसेस होगा एपीआई का. एपीआई क्या करेगा, उस बुक माई शो की कंपनी में जाएगा और वहां से उसकी डिटेल्स लेगा. फिर डिटेल्स लेने के बाद बुक माई शो की स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा. तो सपोज मैंने सिनेमा वन का नाम दे दिया बुक माई शो. अब मैं सिनेमा वन पे क्लिक करता हूँ, तो सिनेमा वन पे क्लिक करने के बाद जो सिनेमा वन की डिटेल्स है, सीट्स डिटेल मतलब कि कोई भी सीट्स है सारी की सारी, उसकी डिटेल्स मुझे सिनेमा वन से लेके आके देगा. अब ये जो ट्रैवलिंग प्रोसेस होता है बुक माई शो से लेके सिनेमा वन तक का, तो ये ट्रैवलिंग प्रोसेस एपीआई करता है. अभी ये एपीआई हमने क्यों बनाया, एक्चुअल में इसके लिए बनाया कि कोई भी कंपनी किसी के भी कंपनी का डेटाबेस एसेस ना कर सके. दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटिंग अ एपीआई. सो एपीआई इज सिक्योर बिकॉज कि हम लोग जब भी एपीआई यूज करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कोई भी कंपनी के अंदर, जैसे कि सिनेमा वन कंपनी के डेटाबेस के अंदर एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि सिनेमा वन कंपनी कोई भी एसेस नहीं करने देगी. तो सिनेमा वन कंपनी क्या करेगी, एपीआई जनरेट करेगी और खुद ही से कंट्रोल्ड करेगी कि मुझे क्या शो करना है बुक माई शो के अंदर. तो बुक माई शो के अभी सिनेमा वन कंपनी ने एपीआई जनरेट किया और इसने खुद ने सेट कर दिया कंट्रोलेशन के थ्रू कि मैं ये चीज़ शो करना चाहता हूँ बुक माई शो में. अब वही चीज़ बुक माई शो के अंदर शो होगी और यूज़र उसको इंट्रैक्ट करेगा. फिर इसमें जो भी टिकट्स बुक होगी वो करेगा. वो प्रोसेस करने के बाद फिर बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्राइस का. अब प्राइस की बात रहती है तो प्राइस में भी सेम प्रोसेस वर्क होती है जो कि एपीआई के थ्रू होती है. अब एपीआई क्या करेगा, सिनेमा वन के पास जाएगा,
सॉरी फॉर दैट, सिनेमा वन के पास जाएगा। सिनेमा वन के पास जाने के बाद उधर से डिटेल्स लेगा कि मैंने यूजर ने ये टिकट बुक करी है फ्रंट की और ये टिकट बुक करी, तो उससे पूछेगा सिनेमा वन से इस टिकट का प्राइस क्या है। ऑलरेडी एपीआई के, जहाँ से एपीआई आ रहा है जिधर आएगा उधर सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि सिनेमा वन के अंदर। अब उधर से डिटेल्स लेने के बाद वो डिटेल्स वहाँ से लेगा सिनेमा वन से। सपोज अभी ये टाइम चल रहा है आज की डेट में, ये सिनेमा की टिकट होती है पीवीआर के फ्रंट की, मान लेते हैं 1500। अभी कल बंदा बुक करता है, कोई भी यूजर है कल बुक करेगा, तो कल टिकट की प्राइस बढ़ जाती है, तो बुक माई शो कैसे पता चलेगा? वो एपीआई के पास जाएगा, एपीआई उसके पास जाएगा सिनेमा वन के पास, सिनेमा वन के पास जाएगा, और सिनेमा वन हमेशा अपनी डिटेल्स अपडेट करता रहेगा अपने डेटाबेस में और एपीआई के थ्रू भी। अब जैसी डिटेल अपडेट होती है सिनेमा वन के अंदर, तो एपीआई न्यू डिटेल ही लेके आने वाला है, पुरानी डिटेल नहीं लेके आएगा, तो उसकी मदद से हम लोग न्यू डिटेल भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये होता है एपीआई का फंक्शनलिटी। फिर जैसे ही यूजर टिकट का प्राइस देख लेगा सिनेमा वन से लेके आने के बाद, तो फिर वो यूजर टिकट बुक कर सकता है इजीली। तो ये ऐसे ही एपीआई वर्क करता है। और बुक माई शो का एक मैंने बेसिक एग्जाम्पल इसके लिए लिया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि बुक माई शो को यूज करते होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होती है एपीआई की। तो मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे कि सिनेमा वन, सिनेमा टू, सिनेमा थ्री, सिनेमा फोर, ये चार सिनेमाज है। अभी मैंने सिनेमा वन का एग्जाम्पल लिया कि सपोज मेरे को सिनेमा वन ही पसंद आया है और मेरे को उधर ही जाना है, तो मैं सिनेमा वन में जाऊंगा। अब ये चार सिनेमाज है, फोर सिनेमाज आर देयर, ये सारे सिनेमा से लिंक होगा बुक माई शो विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सो एपीआई की मदद से हम लोग जितनी जितनी कंपनी चाहे उतनी कंपनी से अटैच हो सकते हैं और एप्लीकेशन इंटरफेस बना सकते हैं एक दूसरे के साथ में एपीआई के थ्रू। सो दैट्स द प्रोसेसिंग ऑफ एपीआई। अभी एपीआई मैंने बुक माई शो का एग्जाम्पल लिया, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि अभी आज एपीआई यूज कर रही है और पहले से चलता आ रहा है एपीआई 2000 से, एंड हम लोग भी एपीआई यूज कर सकते हैं। सो कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक माई शो का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अभी आपने पेटीएम यूज किया होगा, पेटीएम में आप बहुत सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि बुक शो शो को बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं। तो ये सारी बुकिंग प्रोसेस जो ट्रैवलिंग वेबसाइट्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एपीआई के थ्रू वर्क करती है, बिकॉज ये एक सिंगल डिस्प्ले होता है और सिंगल डिस्प्ले को बहुत सारी कंपनी के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। तो सारी कंपनी के साथ जुड़ा रहने के लिए उनको एपीआई मदद एपीआई यूज करना पड़ता है, जिससे जिसकी हेल्प से हम लोग दूसरी कंपनी की डिटेल्स यूजर को दिखा सकते हैं और उस डिटेल के साथ यूजर इंटरेक्ट कर सके। सो इसके लिए हम लोग एपीआई यूज करते हैं, और हम भी अपने ओन एपीआई यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये चैनल है कोजन डेव, तो कोजन डेव में एक्चुअल में मैंने यूट्यूब चैनल है, तो फिर ये यूट्यूब चैनल की मैं एपीआई बना सकता हूँ कि वो कैसे बनाएंगे। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है जिसमें कि उसमें एपीआई मिलती है हमें। अब मैं एपीआई में ऑप्शन आता है उधर, अब मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, यूट्यूब की एपीआई निकालूंगा। वहां से एपीआई लेने के बाद सपोज उस एपीआई को मैंने अपनी कोई दूसरी वेबसाइट पे रखी, अभी वो हम मान लेते कि kojandev.com मेरी वेबसाइट है। अब मैंने उसमें एपीआई डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आज मेरे यूट्यूब चैनल पे सपोज 40 to 50 वीडियोज होंगे। अब मेरे 40 to 50 वीडियो होने के बाद मैंने आज उसमें लिंक डाली है अपनी वेबसाइट पे एपीआई की। अब मैं कल वीडियोस और डालता हूँ यूट्यूब के अंदर, जैसे कि एक हफ्ते में मैं 3 वीडियो डाल देता हूँ और एक्स्ट्रा, तो मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसमें वीडियोस डाली है यूट्यूब चैनल में यूजर के लिए, तो आप जाके देख लो। ऐसे मुझे कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट के अंदर, ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट मेरी अपडेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एपीआई। तो एपीआई इज द मोस्ट हेल्पफुल इन दैट केस। तो हम लोग इस केस में एपीआई को बहुत ही इजीली और अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई भी हमको ज़्यादा कोड्स और ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज एपीआई ऑटोमेटिकली और अपडेट होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है। तो इसके लिए हम लोग एपीआई यूज कर सकते हैं, और एपीआई यूट्यूब में हो सकता है, जीमेल में हो सकता है, और मोस्ट डेवलपर वो मैप्स में भी यूज करते हैं, गूगल मैप्स में। कोई भी कंपनी है जैसे कि कोई भी वेबसाइट बनाई है जिस कंपनी में और यूजर को बताना है कि उस कंपनी का एड्रेस कहाँ है, तो गूगल मैप यूज करेगा, उसका एपीआई लेगा, फिर बाद में अपनी कंपनी में शो करेगा। सो इसके लिए भी हम एपीआई यूज कर सकते हैं। सो ये है प्रोसेसिंग पूरी एपीआई की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट ऑन टू द लाइक बटन एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
थैंक यू वेरी मच।